हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेलनेस एंड ब्यूटी। आई एम शबाना। आज मैं आपको बताऊंगी कि नीम के पत्ते के फेस पैक हम घर पे ही कैसे बनाएं। नीम के पत्ते के तो वैसे कई सारे फायदे हैं, बट नीम के पत्ते से जो फेस पैक हम घर पे बनाते हैं उससे हमारे पिंपल्स, एक्ने, झुर्रियाँ कम हो जाती है, पिम्पल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कुछ रेमेडीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैंने लिया है नीम के पत्ते को, अच्छे से वॉश कर लिया है और उसको मैंने मिक्सर के ग्राइंड में थोड़ा सा पानी मिला के पीस लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। अब उसे हमने अच्छे से एक बाउल में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, ये जो नीम के पत्ते हैं इसका जूस हमने अच्छे से ग्राइंड करके निकाल लिया है। नीम के पत्ते में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट जैसे प्रॉपर्टीज़ होते हैं। नीम के पत्ते हमारे दाग धब्बों को, पिंपल्स को, झुर्रियों को बहुत इजीली ख़त्म कर देते हैं। जैसे हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हो या पिंपल्स आए हो और उसके अंदर बैक्टीरिया हो या फिर वो जो पिंपल्स में से जो गंदगी निकलती है, रेडनेस हो जाता है, तो उसको वो पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और पिंपल्स के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं हमारे स्किन पे, उसको भी वो नीम के पत्ते जो फेस पैक आज मैं आपको बताऊंगी ये रेमेडी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। पिंपल्स को, झुर्रियों को दूर करता है और एक्ने की प्रॉब्लम्स को दूर करता है और हमारे स्किन के दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेरी फर्स्ट रेमेडी है। तो सबसे पहले हम एक बाउल में 2 टेबल स्पून नीम के पत्ते का पेस्ट लेंगे जो हमने मिक्सर में अभी ग्राइंड किया है। उसके बाद मैंने एक एलोवेरा लीफ ली है, आप हो सके तो जो मार्केट का एलोवेरा है वो भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास एलोवेरा लीफ थी तो मैंने ये ताज़ा वाला एलोवेरा जेल डाला है। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे। आप इसके साइड के कॉर्नर को निकाल दीजिए अच्छी तरह से। और फिर ये ऊपर का हिस्सा भी निकाल दीजिए। मेरे पास ये छोटा सा लीफ था इसलिए मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड नहीं करूंगी, बल्कि इसको छुरी की मदद से ही, नाइफ की मदद से ही इसको बारीक बारीक इसके पीसेस करूंगी। फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल में विटामिन ई बहुत मात्रा में पाया जाता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये हमारे चेहरे को बहुत कूलिंग इफेक्ट भी देता है और ये हमारे चेहरे को बहुत मॉइस्चराइज भी करता है, इसलिए हम एलोवेरा जेल ये नीम के फेस पैक में मिला रहे हैं। ये हमारे चेहरे को बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगा और नीम जो है हमारे चेहरे के दाग धब्बे, पिम्पल्स को ख़त्म करेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसका पूरी तरह से जेल निकाल लिया है। फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से नाइफ से बारीक ये कर दिया है, कट कर दिया है। मैंने इसको मिक्सर में ग्राइंड नहीं किया है क्योंकि बहुत छोटा सा लीफ था, इसलिए अगर आपके पास बड़ा हो तो आप उसको मिक्सर में नीम के पत्तों के साथ ग्राइंड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल लिया है। अब इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, इसको आपको चेहरे पे 10 मिनट के लिए लगा कर छोड़ देना है। ये फेस पैक जो है आपके चेहरे पे पूरी तरह से नहीं सूखेगा क्योंकि इसमें हमने एलोवेरा जेल मिलाया है। एलोवेरा जेल जो है हमारे चेहरे को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, इसलिए ये पूरी तरह से नहीं सूखेगा। और इसको 10 मिनट के बाद हमें नॉर्मल वाटर से धो लेना है। तो ये तो थी मेरी फर्स्ट रेमेडी। अब मैं आपको बताऊँगी सेकेंड रेमेडी। मैं आपको बताऊंगी मेरी सेकेंड रेमेडी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने नीम के पत्ते जो है उसका 2 टेबल स्पून जूस लिया है। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून हनी लिया है।
हनी भी हमारे चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करता है। हनी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिससे हमारा चेहरा बहुत ही ग्लो करता है। फ्रेंड्स, इस फेस मास्क को भी आपको 10 मिनट तक अपने चेहरे पे लगा कर रखना है और उसके बाद हमें अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लेना है। आप देख पाएंगे कि थोड़े ही दिन में आपके चेहरे के जो झुर्रियां है, एक्ने की प्रॉब्लम है, ये खत्म हो चुकी है। फ्रेंड्स इसको भी आपको हफ्ते में वीकली वन टाइम यूज़ करना है, वीक में एक ही बार यूज़ करना है। तो मैं आज आपको बताऊंगी अपनी थर्ड रेमेडी उसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून नीम के पत्ते का रस, 1/2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी। फ्रेंड्स, मुल्तानी मिट्टी में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम फास्फोरस पाया जाता है जो हमारे चेहरे को बहुत अच्छी तरीके से क्लींजिंग करता है। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब डाला है। मुल्तानी मिट्टी हमारे चेहरे की रंगत को भी निखारता है और ये हमारी टैनिंग को भी दूर करता है। जो धूप की वजह से हमारे चेहरे पे टैनिंग आ जाती है उसको भी ये दूर करता है। टैनिंग दूर करने के साथ साथ ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को भी ख़त्म करता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की थर्ड रेमेडी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए यूज़फुल रही हो। पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट करके मुझे बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। Thanks for watching.